अस्सलाम वालेकुम, वेलकम वी यू ऑल इन वन डियर स्टूडेंट। सी एस 604 की जीडीपी आ गई है, जिसकी ओपनिंग डेट मंडे है और क्लोजिंग डेट जो है वो ट्यूसडे 23 फरवरी है। टू अवॉइड एनी इनकन्वीनियंस ग्रेड जो टॉपिक है वो है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूशन व्हेन पेज फॉल्ट इज अकर्ड पेज दैट इज रेफर्ड बाय द प्रोसेस इज नोट इन द मेन मेमोरी। सेकंड देयर आर नो फ्री फ्रेम इज द फ्री फ्रॉम लिस्ट एंड मेन मेमोरी इज फॉल्ट इज कमिटेड सो वी हैव टू सेलेक्ट द विक्टम पेज टू बी रिप्लेस। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम यूज टू डील विद द पेज फॉल्ट। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम जो है वो यूज़ किया जाता है जो पेज फॉल्ट जब अकर्ड होता है। तो पेज फॉल्ट प्रॉब्लम इन इन मेन मेमोरी हाउ पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम सफ़र फ्राम बिलेडीज एनोर्मी जो है ना, वो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम वो इस फिनोमिना से भी सफ़र करता है। आल्सो स्टैक रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम दैट आर अ क्लास ऑफ पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम मे सफ़र फ्राम ब्लैडली एनोमी। हमने सिर्फ यही बताना है कि क्या ये स्टैक रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम सफ़र करता है या ब्लेडीज एनोमी फिनोमिना से या नहीं। इफ़ येस राइट डाउन वैलिड रीज़न, इफ़ नो राइट डाउन हाउ इट डील विद दिस प्रॉब्लम। अच्छा जी, जो हमारा आंसर होना चाहिए वो टू द पॉइंट होना चाहिए। योर कमेंट शुड बी रेलिवेंट टू द टॉपिक, क्लियर एंड कंसाइज होना चाहिए। मैक्सिमम 5 लाइन का आंसर उन्होंने कहा है। यू शुड पोस्ट योर कमेंट इन ऑन ग्रेड डिस्कशन बोर्ड बुक्स वेबसाइट एंड अदर रीडिंग मटीरियल में कंसल्ट बिफोर पोस्टिंग योर कमेंट। नो एक्स्ट्रा विल बी गिवन फॉर डन। यू कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन आफ्टर थ्रू ड्यू डेट के बाद आप नहीं पार्टिसिपेट करते। जो सोल्यूशन है, नो स्टैक प्रॉब्लम एल्गोरिथम सफर फ्राम बिलेडीज एनोमी। अच्छा जी, जो इसका आंसर है कि कोई भी स्टैक रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम वो ब्लेडीज एनोमी फिनोमिना से सफ़र नहीं करता। रीज़न जो है, स्टैक बेस्ड एल्गोरिथम डू नॉट सफर फ्राम ब्लेडीज एनोमी। दिस इज बिकॉज दिस एल्गोरिथम असाइन प्रायोरिटी टू द पेज फॉर अ रिप्लेसमेंट दैट इज इंडिपेंडेंट फ्राम द नंबर ऑफ फ्रेम, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है नंबर ऑफ फ्रेम से इन द मेन मेमोरी। स्टैक बेस्ड एल्गोरिथम इज वन फॉर विच इट कैन बी शोन दैट द सेट ऑफ पेजेस मेमोरी फॉर एन फ्रेम। ये हमारा आंसर है फ्रेम फॉर एल यू आर जो। अच्छा जी, बाकी आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं कि है क्या ये नहीं है। ये देखें, मैंने भी सर्च करके काफ़ी देखा है। हाँ जी, ये इसका कंप्लीट, अगर आपको कंप्लीट चाहिए समझना है तो आप इस वेबसाइट से चले जाएं जहाँ पे लिखा है इन ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस डेटा इज लोडेड एंड फिक्स साइज चंक, जो कि एक फिक्स साइज के साथ एक पेज लोड होता है। रेफर टू एज पेज द प्रोसेस लोड दिस पेज इन द फिक्स साइज ऑफ द मेमोरी कॉल्ड फ्रेम्स। अच्छा जी, फिक्स साइज से जो फिक्स साइज ऑफ चंक ऑफ मेमोरी कॉल्ड फ्रेम, टिपिकल साइज ऑफ ईच पेज इज ऑलवेज इक्वल टू द फ्रेम। जो साइज ऑफ पेज होता है वो इक्वल टू द फ्रेम होता है। पेज फॉल्ट, जब पेज फॉल्ट क्यों अक्कर होता है, व्हेन पेज इज नॉट फाउंड इन द मेमोरी, जो मेमोरी में पेज फॉल्ट नहीं मिलता पेज, एंड नीड टू बी लोड फ्राम डिस्क और डिस्क से लोड होने की कोशिश करता है। फिर अक्कर एंड ऑल मेमोरी फ्रेम हैव ऑलरेडी एलोकेटेड, और वो अच्छा जी ये देख लीजिएगा आप, जो ब्लेड एनोमी है वो ये है उसकी डेफिनेशन इज इन द गिवन टू द फिनोमेना वेयर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पेज फ्रेम रिजल्ट इन इंक्रीजिंग द टू द नंबर ऑफ पेज फॉल्ट। अच्छा जी, ये फ्रेम नंबर ऑफ फ्रेम इंक्रीज हो जाते हैं और पेज फॉल्ट भी मेमोरी एक्सेस। दिस फिनोमेना इज कॉमनली एक्सपीरियंस इन द फॉलोइंग पेज रिप्लेसमेंट। ये आप देखते जाइएगा, ये काफ़ी ये देखिए, नेवर सफ़र फ्राम ब्लेडी एनोमी, मैंने सर्च किया मुझे तो यही मिला है कि ऑल स्टैक प्रॉब्लम सफ़र नहीं करते। सो इफ़ यू लाइक देन सब्सक्राइब, वन सब्सक्रिप्शन इज इनफ फॉर मी फॉर माई अप्रिसिएशन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, जजाकल्ला। ये हमारा सलूशन है।